Hey guys, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत है, नाम नदीम। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। यार आखिर वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा कमाल है, खान सर का वीडियो। तो यार आखिर क्यों मांगी चाइना ने अमेरिका से मदद, मतलब चाइना इंडिया से क्यों डरता है, ये वीडियो का टाइटल है। अच्छा, वैसे इसमें कोई शक नहीं, डरता तो वो सही तो है। सही इस तरह से अब देखते खान सर ने क्या बोला, क्यों भाई इतना ज्यादा डरता है और क्यों उन्होंने मांगी अमेरिका से मदद। तो कानून करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। अब चीन जो है अमेरिका से दबाव बना रहा है कि भारत को कहो कि मत खरीदो। कहता है कि मोदी है, पत्नी का ना सुना हमरा सुनेगा। हाँ मोदी जी नहीं सुनते। जब प्रधानमंत्री बने थे तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हम आपको खुला छूट देते हैं परमाणु परीक्षण, बिल्कुल पूरी दुनिया को हम देख लेंगे। ये जादो जी वजीर आजम लड़े हमसे, आओ मारो यहाँ पे, मार देंगे परमाणु बम, सीधे उड़ जाओगे यहाँ पर। चंदन भी खुशबू तब देती है जब एक समय हो जाता है तब, तो हम भी जवाब देंगे 1962 का भी देंगे और 1948 का पीओके का भी देंगे और ब्याज के साथ देंगे, हमारे यहाँ तो चक्रवृद्धि का भी व्यवस्था है। ब्याज का सीन। अमेरिका ने इराक तो बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन क्लास करवे नहीं किया, लड़ गया जाकर किससे, अमरीका। अरे पागल है, उनसों के यहाँ शास्त्र वगैरह तो है ही नहीं, हम लोग के यहाँ चाणक्य नीति है। गलवान घाटी में चीनवा घुस गया, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग के कर्नल साहब पे हमला किया था, संत भगवान शांति दे, वीर पुरुष एकदम, वो लोग तो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। हम लोगों ने भी उसके चाऊ माओ के 40 गो को मारा था, मारे थे, लेकिन फिर भी फुल फ्लेज्ड वार हुआ नहीं, जानते क्यों, क्योंकि उस समय तक चाइना जो है उसके पास S-400 मिसाइल आ चुकी थी। पास S-400 मिसाइल था ही नहीं, भारत का उसके पास S-400 का पैसा है, 300 बकलोल का मिसाइल वाला S-400 है, उसमें 200 से 300 मिसाइल रहती है, उसमें से उसको हर तरह की मिसाइल दी गई है, लेकिन जो 400 किलोमीटर की मारक क्षमता की है वो नहीं है, वो नहीं है। सिस्टम तो S-400 है, समझ गए, जैसे एंड्रॉइड मान के चलिए हम आईफोन लेके कैमरा फोड़ दे क्या कहिएगा, कीपैड वाला है नहीं, तो अमेरिका रूस ने उसको S-400 दिया है लेकिन उसमें बड़का मिसाइल बना नहीं दिया, 300 वाले थी, हमला किया ही नहीं, पगला है हम लोग, हमारा जहाज जाएगा पिटा के चलाएगा वहां से, उसके आगे टिकेगा नहीं, चुपचाप जहर का घोट पी गए लोग, हम लोग पी गए कि नहीं पी गए, आप तो नहीं बोले, बोलेगा नहीं, वो बेचारा उसके यहाँ हदीस की बिक्री बढ़ गई है क्योंकि हम लोग के पास क्या आ गया है S-400 और उसके पास क्या है S-400 के नाम पर S-300 बिल्कुल ये कहते हैं, कह सकते हो S-400। अब चीन जो है अमेरिका से दबाव बना रहा है कि भारत को कहो कि मत खरीदो, देखो उन्होंने ले भी लिया भैया, आ भी गया तुम रोते रहो, चैनल चाल चली, वो डरता है ना भाई, इतना मिलियन ट्वीट हो गया अवेले कुछ कानों पे जिंगना देगा, नहीं समझ आया, अब तक सुन में नहीं किए, मिलियन पे ट्वीट जा रहा है तो मिलियन बाइडेन का बात सुनेंगे है कि नहीं, बाइडेन की बात सुनेंगे नहीं, सुन सकते वहां पे मोदी जी नहीं सुनते जी, अमेरिका ने किसी की नहीं सुनते, अपने डिफेंस के मामले में किसी की नहीं सुनते, बिल्कुल चढ़ गए यहां मरा के शांत हो गए। अभी इराक के लोग टूटल फाटल घर में सोचते हैं पानी बरस रहा है कहां छूटे, अभी वैसे ही वो चढ़ाता है किसको, ईरान को, इतना होशियार है, अमेरिका के पास सारा साजो सामान रेडी है युद्ध के लिए, ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया, वो मारा था, सोचिए ये आपस में लड़ा होती है कि नहीं, ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया, नहीं नहीं वो जा रहा था उसको वो ड्रोन से उड़ाया था उसने, मार दे अमेरिका ने भी पीछे, वो ईरान इराक की लड़ाई भी लगा रही थी, ये आपको याद नहीं है, इतना होशियार था कि पहले अनाउंस कर दिया कि वो इराक पर अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला है, अच्छा अमेरिका वहां से साइड हो गया, प्रधानमंत्री के पास देश भी संभालना है जनता को भी संभालना है, जनता दूरदर्शी नहीं होती, इमोशंस होती है, मार डालो अमेरिका को, कहां से मार डालोगे क्या है क्या मारो, में नारा डालना है पजामा में मार डालो यहाँ पे, बेचारा पागल हो गया, वो क्या करे, जनता को भी देखना है, सेना का मनोबल भी ना टूटे और डिप्लोमेट भी हो जाए, उसने चुपचाप इराक पे हमला करा कह दिया कि 3 बजे हमला करेंगे, परसों 3 बजे परसों अमेरिका वो जगह खाली करके चल गया, तब तोड़ 40 गो मिसाइल मार दिया, समझा गया, अमेरिका वहां खाली कर दिया, हल्ला कर दिया, 300 अमरीकी मारे गए,
मांगो तो एंटी नेशनल। जैसे भारत की सेना अगर पाकिस्तान हमला कर दे अब 3 गो मारा है, कहे 400 मरे हैं, कौन सबूत मांगने जाएगा? कि नहीं पलटवार करेगा नहीं, इधर से 300 मिसाइलों मार दिया, जनता भी खुश, इस बार भी कोई नहीं करता ना, सेना का भी मनोबल बढ़ गया। अब धीरे धीरे परमाणु बम के पे काम कर रहा है, जिस दिन परमाणु बम लग जाएगा उस दिन ससुरा तुमको बताएंगे, मारो हम तुमको हिरोशिमा 2 दिखाएंगे। यही समस्या थी, कोनो देश आके उकसा देता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते तो हम आपको खुला छूट देते हैं, परमाणु परीक्षण होना चाहिए, पूरी दुनिया को हम देख ले। उन्होंने ऐसा बोला था, ये तभी तो आज इंडिया न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हमें तो नहीं है, सीधे उड़ जाओगे यहाँ पर। हर देश एक दूसरे को उकसाना चाहता है, क्या ईरान को उकसा रहा है कि फंसना चाहिए उसमें, क्या हाल हो जाएगा इसका? यही काम चाइना कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसको जमीन का कमी है? अरे नहीं रे भैया, ओकरा जमीन का कोई कमी कोई नहीं, जान रहा है कि इसको गद्दी से उतारने वाला इस धरती पर पैदा हो गया है कौन? भारत। बिल्कुल। अभी बताओ बाहुबली मूवी देखेंगे तो भल्लाल देव को मारने वाला कौन था? बाहुबली। लेकिन बचपने में मारने चल जाता था? नहीं, एक समय लगता है, एक टाइम लगता है। बिल्कुल। जब एक समय हो जाए, अब वो टाइम आ गया, तो हम भी नहीं, अभी नहीं, फिलहाल नहीं है। 1962 का भी देंगे और 1948 का पीओके का भी देंगे और ब्याज के साथ देंगे, हमारे यहाँ तो चक्रवृद्धि का है। नहीं आ गया तो ये कौन देश हो गया? इराक। बकलोला हो गया सद्दाम हुसैन के वजह देश हो गया चौपट। ये कौन हो गया? ईरान। अभी तक बचा लिया है कि नहीं बचा लिया है? समझ आ गया कि नहीं आ रहा? इराक, ईरान। इधर हुई ये वीडियो ख़त्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार सीन ऐसा है कि भाई चाइना वैसे रोता तो काफ़ी है, इसने अभी बहुत रोना डाला हुआ है, अमेरिका को बार बार अभी भी कह रहा है कि भाई इनको S-400 ना लेने दो, इनको पाबंदियां लगाओ, इन्होंने ले लिया है अब सारा पूरा ये सेक्टर खतरे में है, इनका ये है, भी अमेरिका को है। और वो बोल दबाव डाले भारत पे, अमेरिका अमेरिका कहता होगा भाई हमने इनको पे दबाव डाला तो मेरा हाल तेरे जैसा होगा, तो मैं क्यों भाई इन पे दबाव डालू, मैं पागल हूँ क्या? असल बात है जी, मोदी जी किसी की सुनते नहीं है, वजह डिफेंस के मामले में नहीं भाई, डिफेंस के मामले में किसी की नहीं सुनते, अपनी आर्मी अपने कंट्री के मामले में किसी की नहीं सुनते। और ये उनका मुझे कसम से यकीन मानो दिल से बात अच्छी लगती, मैं उनका इसी बात पे बहुत ही बड़ा फैन हूँ कि वो इन मामला अपनी कंट्री अपनी और चीजों के मामलों पे कंट्री के मामलों पे किसी के मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बाबा। वो मैं कहता हूँ कि अभी जिस तरह से 400 आया, अमेरिका ने बोला तो तू ना ले रशिया से, अमेरिका ने भी बोला था लेकिन इंडिया ने लिया, इंडिया कहता भाई मैं लूंगा, उन्होंने रशिया से लिया, फिर अमेरिका कुछ नहीं कर सका। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल लिया वाक्य है, देखो चाइना के पास भी S-400 है, नहीं उसके नाम पे S-300 है, पैसे लिए S-400 ही दिए S-300 है। बस याद वजह ऐसा मतलब है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो गया S-400 के आने से, अभी पुटिन आ रहे हैं कल, और मजबूत हो और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि बात है डिफेंस डिले होती हैं, क्या होता है और बहुत डिले होती हैं, लेकिन ये है कि भाई अब अमेरिका भी इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ नहीं बिगाड़ सकते यार, क्या कर सकते। और जिस तरह खान सर ने बोला एक जवाब देने का टाइम होता है, एंड चाइना को पता है कि हमें और कोई उखाड़ नहीं सकता, हमें इंडिया ही उखाड़ सकता है, बिल्कुल वजह, इसकी वजह से उसको डर लगा, बिल्कुल डर की कमी भी नहीं है, डरपोक कौम है, जमीन भी है, फौज भी है, सब कुछ है, लेकिन डरपोक है। वही ना, इंडिया के जज्बात ही ऐसे हैं कि वो उनके वो ठहरती नहीं है चीजें। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं इस वीडियो के बारे में, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।